हेलो फ्रेंड्स, आज सीक्रेट इन्विजन का फाइनल एपिसोड है, लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि मैं इतना लेट हो गया। क्या करूंगा, एग्जाम था। आई होप आप समझ ही गए होंगे मेरी सिचुएशन, बट अब मैं जल्दी जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगा, तो स्टोरी शुरू करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रा की स्क्रल बॉडी से, जहां आयरन मैन को उसकी बॉडी में स्क्रल मिलता है और वो हैंक पिम और रीड रिचर्ड की मदद लेता है स्क्रल को बॉडी को एग्जामिन करने के लिए। लेकिन तब तक अर्थ पे स्क्रल की बोगी लैंड हो जाती है और स्क्रल अपना सीक्रेट इन्वेजन स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत वो आयरन मैन के आर्मर और स्टार्क इंडस्ट्रीज से करते हैं और स्क्रल्स फिर अवेंजर्स के भेष में दुनिया पे अटैक करने लगते हैं और सबको यही लगता है कि अब अवेंजर्स ही दुनिया के लिए बुरे बन गए हैं। और अब स्क्रल पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट करके लोगों को और उनके गवर्नमेंट को स्क्रल के साइड आने को बोलते हैं, लेकिन तब तक वहां पे गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर आ जाता है और इसी के साथ अवेंजर्स से फाइनल बैटल के लिए स्क्रल भी आ जाते हैं और उनमें जंग छिड़ जाती है। स्क्रल्स अवेंजर्स पे भारी पड़ रहे थे, लेकिन तभी वहां पे द वॉचर आ जाता है। टोनी उस बैटल फील्ड से दूर जा रहा होता है, लेकिन तभी एक स्क्रल उस पे पीछे से अटैक कर देता है, तो टोनी उसके मुंह पे एक ब्लास्ट करके वहां से निकल जाता है अवेंजर्स टावर्स की तरफ। और उधर अवेंजर्स टावर में जेसिका जोन्स और जार्विस टीवी पे अवेंजर्स और स्क्रल की फाइट देख रहे होते हैं, तो जेसिका जार्विस से बोलती है, मुझे उनकी जंग में मदद करनी होगी, तो क्या तुम मेरा एक काम करोगे? जार्विस हाँ में जवाब देता है। फिर जेसिका अपने बेबी को हक करके जार्विस को देती है और उससे बोलती है कि वो उसके और ल्यूक केज के बच्चे का ख्याल रखेगा, क्योंकि जेसिका जान रही थी स्क्रल और अवेंजर की इस जंग में अवेंजर्स का बच पाना इम्पॉसिबल है और इनके साथ वो भी मारी जाएगी। और उसके बाद जेसिका वहां से चली जाती है, लेकिन तभी जिस जगह अवेंजर्स और स्क्रल लड़ रहे थे वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहां पे नो वॉर आ जाता है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। और ये है मार्वल बॉय, जो कि कैप्टन मार्वल से मिलकर आ रहा है, क्योंकि ये भी अब स्क्रल्स की असलियत जान चुका है कि स्क्रल्स जो भी कर रहे हैं वो गलत है, तो ये आया है अवेंजर्स की मदद करने के लिए। मार्वल बॉय के ब्लास्ट की वजह से स्क्रल्स थोड़ा वीक पड़ जाते हैं, जिससे अवेंजर्स को संभलने का मौका मिलता है और वो फिर से फाइट कंटिन्यू कर देते हैं। रोनन अपने एरोस से सब स्क्रल्स को टारगेट करके हिट कर रहा होता है, लोगन भी पीछे नहीं हटता, वो रोनन का एक एरो पकड़कर स्पाइडरमैन के मुंह में घुसा के उसको दूर फेंक देता है, तो येलो जैकेट चिल्लाता है और बोलता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया अवेंजर्स। इसके बाद वो एक रिमोट का बटन ऑन करता है, जिसके बाद जेनेट बोलती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर हमें थोड़ी फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसपे हैंक पिम ने जेनेट को उसकी एनिवर्सरी पे एक गिफ्ट के तौर पर एक सूट दिया था, जिसे पहन के जेनेट भी जायंट मैन की तरह बड़ी हो सकती थी। और ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है। फिर जेनेट बड़ी होने लगती है, लेकिन साथ ही साथ उसमें ये बदलाव कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इधर हमें जार्विस दिखता है जेसिका के बेटे के साथ, और वो तभी अपना रूप बदल लेता है, यानी जिसे जार्विस समझकर जेसिका अपना बच्चा छोड़कर उसके पास आई थी, एक्चुअल वो एक स्क्रल था। इधर जेनेट की बड़ी होती बॉडी से एक भयंकर रेडिएशन बाहर आ रहा था, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी एवेंजर्स को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और जेनेट के इस सूट की वजह भी स्क्रल है, क्योंकि येलो जैकेट ने ही उसको एनिवर्सरी पे ये सूट गिफ्ट किया था, और हमें पिछले एपिसोड में येलो जैकेट को जेनेट के बारे में पूछते हुए भी सुना था। जेनेट की बॉडी से निकलते रेडिएशन की वजह से वहां सभी की हालत और खराब होती जा रही थी और वो लोग लगभग मरने ही वाले हैं। लेकिन तभी थॉर अपने हैमर की मदद से एक टॉर्नेडो बनाने की कोशिश करता है, जिससे वो सब गैस वहां से दूर चली जाए, और वो इसमें कामयाब भी होता है। थॉर के बनाए टॉर्नेडो की वजह से वहां का रेडिएशन भी कहीं दूर फेंक जाता है, लेकिन साथ ही साथ जेनेट भी वहीं से गायब हो जाती है और लगता है कि अब वो मर गई है। इधर अपने फाइनल अटैक के फेल हो जाने की वजह से स्क्रल क्वीन अपना जबड़ा ठीक करते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, तो सभी एवेंजर्स उसे सामने से घेर लेते हैं और वुल्वरीन उस पर फाइनल अटैक करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी स्पाइडर वुमन पे एक गन शॉट लगता है और वो वहीं पे मर जाती है।
और ये गनशॉट और किसी का नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का था, और नॉर्मन के उस काम को लाइव न्यूज पे दिखाया जा रहा था जिससे इस जंग का हीरो अब नॉर्मन ऑसबॉर्न बन गया था। और तभी वहां पे आयरन मैन भी आ जाता है, वो सबको बताता है कि स्क्रॉल क्वीन अब मर चुकी है जिससे उसकी स्पेस में आर्मी भी वीक पड़ गई है, तो जो उड़ सकते हैं वो मेरे साथ स्पेस में स्क्रॉल शिप को तबाह करने में मदद करें। फिर हमें स्पेस में थॉर, आयरन मैन, कैप्टन मार्वल, नोवा और दिखते हैं स्क्रॉल शिप को तबाह करते हुए। नीचे अर्थ पे एवेंजर्स को एक बोगी दिखी है जिसे कैप्टन खोलते हैं तो उसके अंदर से बाकी के एवेंजर्स मिलते हैं जो कि रियल एवेंजर्स हैं, और इन्हीं सबके भेस में स्क्रॉल अर्थ में घुसे हुए थे। आयरन मैन और बाकी के हीरोज अपने खोए हुए हीरोज को देख के काफी खुश होने लगते हैं कि तभी जेसिका की नजर जार्विस पर पड़ती है, तो वो चिल्लाती है कि अगर ये जार्विस असली है तो वो कौन था। फिर वो वहां से उड़कर सीधा एवेंजर्स हेडक्वार्टर पहुंच जाती है जहां से स्क्रॉल जार्विस और उसका अपना बेबी भी नहीं दिखता है, और इसकी स्टोरी हमें आगे नहीं बताई जाती है। इधर हॉकाई को उसकी बीवी यानी मॉकिंग बर्ड दिखती है जिसे देख के वो उसे किस कर लेता है, और रीड रिचर्ड को भी उसकी अपनी बीवी यानी सूजन दिख जाती है। वो एक दूसरे को हक करते हैं तो सूजन दूर से कुछ रोशनी देखती है और बोलती है ये क्या, तो रीड और सूजन भागते हुए बैक्स्टर बिल्डिंग में घुसते हैं जहां वो जॉनी और द थिंग को आपस में झगड़ते हुए देखते हैं। जॉनी बोल रहा होता है इस नेगेटिव जोन को बंद करने के लिए रीड ने कोई मैनुअल तो छोड़ा होता। फिर रीड कंप्यूटर से उस नेगेटिव जोन को बंद कर देता है। इधर टोनी स्टार्क थॉर को फिर से टीम में आने के लिए बोलता है तो थॉर उस पर गुस्सा करके बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने नहीं आया था, यहाँ लोगों को मेरी जरूरत थी तभी मैं आया था। यहाँ थॉर आयरन मैन से सिविल वॉर के इवेंट के बाद नाराज है क्योंकि सिविल वॉर में टोनी ने थॉर के डीएनए की मदद से एक आर्टिफिशियल थॉर बनाया था। अगले दिन व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे होते हैं कि अब हम सब सेफ हैं, स्क्रॉल भी हार चुके हैं, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मन ऑसबॉर्न की वजह से पॉसिबल हो पाया है, तो इसलिए अब से गवर्नमेंट अवेंजर्स और बाकी के सभी सुपर हीरोज को नॉर्मन ऑसबॉर्न के अंडर काम करने का ऑर्डर देती है, क्योंकि स्क्रॉल के लाइव टेलीकास्ट की वजह से अभी भी सबको यही लग रहा था कि अवेंजर्स आगे चल के अर्थ के लिए खतरा बन सकते हैं। और अब नॉर्मन ऑसबॉर्न के अंडर शील्ड, अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और टोनी स्टार की सारी इंटरप्राइजेस आ चुका है, और अब से हीरोज को कोई भी एक्ट तब करना होगा जब ऑसबॉर्न उसे ऑर्डर देगा। फिर ऑसबॉर्न किसी सीक्रेट चैम्बर के अंदर जाता है जहां द हुड, डॉक्टर डूम, लेडी लोकी और बाकी और दो विलन इकट्ठे हुए हैं किसी नई मुसीबत को अर्थ पे लाने के लिए, और यहीं पे ये सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी भी कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी काफी कंफ्यूजिंग थी और इसे पढ़ने के बाद मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इसमें रियल हीरो कौन है और स्क्रॉल कौन है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको पढ़ता गया मुझे ये स्टोरी अच्छे से समझ आती गई। अगर आप इसके सभी पार्ट्स एक साथ देखेंगे तो आपको भी ये स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी, और जैसा कि मार्वल हो या डीसी, उनकी हर कॉमिक्स खत्म होती है एक नई कॉमिक्स की शुरुआत के साथ, तो ये स्टोरी खत्म तो हो जाती है लेकिन ठीक इसी के बाद शुरू होती है मार्वल की सीज कॉमिक्स जिसमें नॉर्मन और लोकी अपने प्लान को अंजाम देते हैं और थॉर उसके एस्गार्ड को लगभग खत्म ही कर देते हैं। इस कॉमिक्स में हमने कुछ ऐसे सीन्स भी देखे जो कि काफी अलग थे, जैसे अर्थ पे हो रहे अटैक की वजह से बुरे विलेन भी हीरोज को साथ देते हैं जिससे यह समझा जा सकता है कि वो बुरे जरूर हैं लेकिन उन्हें अर्थ की चिंता है। और अब मैं एक नई स्टोरी के साथ जल्दी ही हाजिर होऊंगा जिसका नाम है गॉड ऑफ वॉर ओरिजिन। सो अब मैं चलता हूँ और आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करिए। बाय बाय दोस्तों। Sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only.